नमस्कार दर्शकों, राजधानी लाइव से मैं हूं भावना जोशी आपके साथ और टाइम हो गया है आज के पांच के पंच का। तो शुरू करते हैं आज की पांच बड़ी खबरों के साथ। पांच के पंच में पहली खबर है, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि दिल का दौरा पड़ने से उसकी जान गई है। मृतक किसान की पहचान भगेल राम के तौर पर हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद इसे लेकर ज्यादा जानकारी दी जा सकेगी। आज के पंच में दूसरी खबर है, चक्रवाती तूफान गुलाब रविवार शाम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से टकराया। इसका असर अब झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर भी नजर आ सकता है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने दक्षिण छत्तीसगढ़, मराठवाड़, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में साइक्लोन के असर से भारी बारिश हुई और घरों में पानी भर गया। आज के मंच में तीसरी खबर है, विराट कोहली T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रविवार को उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलते हुए उपलब्धि हासिल की है और ऐसा करने वाले कोहली दुनिया के पांचवें बल्लेबाज हैं। उनसे पहले क्रिस गेल, किरण पोलार्ड, शोएब मलिक और डेविड वार्नर ने T20 में 10,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं। आज के मंच में चौथी खबर है, एक्टर सलमान खान पिछले कुछ दिनों से अपनी अपकमिंग फिल्म Tiger 3 की शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे और अब हाल ही में वे वहां से मुंबई लौट आए हैं। उन्हें रविवार को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसकी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन फोटोज में सलमान ने उल्टा मास्क पहन रहा है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अब उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। पांच के बैच में पांचवी और आखिरी खबर है, मध्य प्रदेश में आखिरी दौर में चल रहे मॉनसून से एक बार फिर इंदौर समेत 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मालवा, लेमाड़ और महाकौशल में कहीं कहीं हल्की से लेकर तेज बारिश तक हो सकती है। हालांकि भोपाल और ग्वालियर चंबल संभागों में कहीं कहीं बूंदाबांदी के आसार है। पांच के पंच में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव।